नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा सात में गणित पढ़ेंगे। कक्षा सात की गणित में इसके पहले मैंने जो आपको हमने पढ़ा था वो हमारा प्रश्नावली 2.5 था। हमने क्या पढ़ा था, 2.5 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम 2.6 पढ़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रश्नावली 2.5 अपनी नोट में और स्वाध्यायपोथी में भी पूरा कर लिया होगा। इसके पहले जो हमने प्रश्नावली 2.5 पढ़ा था उसमें हमारा प्लस करने का था और क्या बोलते हैं, किस तरह से दूरी निकालने की थी, ये सब के बारे में हमारा था। लेकिन जो हमारा प्रश्नावली 2.6 है उसमें हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसमें बच्चों जो गुणा करना है ना, इसके पहले मैंने आपको समझा दिया था जैसे हम और गुणा करते हैं, बस थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे आपको कोई संख्या दी है, जो यहाँ पे लिखा है 1.76 और गुणे 10, तो हमको ये 10 है ना बच्चों, तो ये वाला 10 हमने यहाँ पे ले लिया और ऊपर पॉइंट के पहले कितनी थी, जितना होगा पॉइंट के पहले संख्या उतना हमको नीचे जीरो लगाने का। तो इस संख्या में हमारा पॉइंट के बाद कितनी जीरो, कितनी संख्या है पॉइंट के पहले, तो 2 है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख के 2 जीरो लगा दिया, वो बटे में चला गया और फिर हमने इसके साथ गुणा किया, जो जवाब आया उसका हमने इसके साथ भाग दे दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमको सारे सवाल इसी तरह से करना है बच्चों। तो आज हम यहाँ पे 2.6 सीखेंगे। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ, आप ध्यान से सीखिएगा। इसमें आपको प्रश्न नंबर 1 दे दिया है, ज्ञात कीजिए। और क्या करने का, काय का निशान है सवाल में बच्चों, गुणे का निशान है। तो हमको क्या, पहले 0.2 गुणे 6 लिखा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हमको क्या करने का, जो हमारा संख्या है 0.2 गुणे 6, तो पहले हमने क्या किया, ये पॉइंट को हटा दिया और फिर हमने 2 का गुणा 6 के साथ कर दिया, तो 6 दूनी कितना होता है 12। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो संख्या थी वो रख दी और फिर गुणे का निशान लगा के 12, 6 दूनी 12। अब पॉइंट के बाद, जीरो के बाद कितनी संख्या, 1 है ना, तो हमने आंसर में भी 0 के भी 1 संख्या के पहले हमने पॉइंट लिख दिया। इस तरह से दूसरा सवाल है हमारा 8.6 है ना, तो हमने ये क्या किया, पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटाने के बाद 8 का गुणा हमने इसमें कर लिया, 8 का गुणा जब हम करेंगे तो हमारी संख्या इतनी आएंगी। इसीलिए हमको बच्चों ऐसे लिखना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा सवाल। तो इसीलिए हमने 8 गुणे करके और 4.6 लिखा, जो हमारा सवाल था वो। अब यहाँ पे देखना है हमको कि पॉइंट के पहले कितनी संख्या थी, तो 1 थी ना, तो हमने यहाँ पे 1 संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया। दूसरा सवाल है हमारा 2.71 गुणे 5, पॉइंट हटा दिया और जैसा था वैसा हमने लिख दिया, 271 में गुणे 5 बराबर 1355, 1355 हमारा आंसर आया। अब यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट था, 2 संख्या के बाद था ना, तो हमको आंसर में भी 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देने का। बच्चों जैसा पूछा गया हो, जितनी संख्या के बाद पॉइंट हो वैसा ही हमको पॉइंट कर देने का, जैसा गुणा करते हैं वैसे ही सेम गुणा करने का, आंसर के बाद हमको देखने का कि कहाँ पे पॉइंट है, उस प्रकार हमको पॉइंट रख देने का। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको 3 सवाल सिखाया, बाकी के 4, 5, 6 और 7 सवाल है वो आपको खुद करने हैं। तो आपको गुणा करने आएगा तो ये सवाल आप कर लोगे। इस तरह से बस हमको पॉइंट का ध्यान रखना है, अगर आपने पॉइंट का ध्यान ना दिया तो आपके सवाल सारे गलत हो जाएंगे, या तो आप पॉइंट लगाना भूल गए तो भी आपके सवाल गलत हो जाएंगे। तो पॉइंट पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे ये सवाल है तो हमने क्या किया, 20 को हटा दिया तो 201 हो गए, 201 का गुणा हमको 4 में करेंगे, जो जवाब आएगा उतना हमको लिख देने का, और कौन सी संख्या के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद, तो उस तरह से हम वो आंसर में 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से बाकी के सवाल आपको खुद करने। तो आपको 3 सवाल मैंने समझाए, 4th, 5th, 6th और 7th आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी है। तो इसका हमको क्या करने का बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी दी है 5
0.7 सेमी और चौड़ाई कितनी दी है 3 सेमी। मतलब हमको इन दोनों का क्या करना है, गुणा करेंगे। जब हमने गुणा किया तो हमारा जवाब 17.1 सेमी आ गया। तो हमने यहाँ पे हमारा ये जवाब हो गया, गुणा ही करना था बच्चों। अब है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है ज्ञात करना है। इसमें भी बच्चों घबराने की जरूरत नहीं, इसमें भी हमको गुणा करना है। तो गुणा इसमें देखोगे बच्चों दो संख्या का। प्रश्न नंबर एक में क्या था, जिस भाग से हमको गुणा करना था उसमें एक ही संख्या थी, लेकिन प्रश्न नंबर तीन में जिससे हम गुणा करेंगे वो संख्या भी दो है। तो यहाँ पे आपको संख्या दी है कि 0.1.3 × 10। तो हम इसका कैसा गुणा करेंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको उदाहरण में समझाया था कि यहाँ पे जितनी संख्या होगी उस हिसाब से हम जीरो लगाएंगे। तो हमको क्या करने का है, सवाल कैसे हम करेंगे, 1.3 × 10 = 13। यानी हमने ये पॉइंट हटा दिया और यहाँ पे 13 लग दिया, और बटे में क्या जाएगा, 2 जाएगा। क्यों 10 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट के बाद ही संख्या एक ही थी। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक है ना, इसीलिए हमने 10 लिखा। यही दो संख्या के बाद पॉइंट होता, यानी यहाँ पे दो संख्या होती फिर पॉइंट होता, तो हम यहाँ पे 100 लगाते, लेकिन एक ही संख्या इसीलिए हमने यहाँ पे 10 लगाया। तो हमने 13, ये 10 और ये 10 से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, 13। इसीलिए 10 का गुणा 13 में किया तो हमारा जवाब 13 आया। अब दूसरा सवाल है 36.8 × 10। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 0.1 संख्या के बाद है, तो हमने यहाँ पे रख लिया, और फिर हमने क्या किया, ये कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास ये संख्या बची, तो हमने ये आंसर लिख दिया। इस तरह से बच्चों मैंने आपको दो सवाल आपको समझाए हैं। बाकी के जितने सवाल, मैंने पहला सवाल और दूसरा सवाल आपको समझा दिया कि आपको इस तरह से करना है, और तीसरे से लेके लास्ट सवाल तक, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 तक, यानी तीसरे से लेके 12 तक के आपको ये सारे सवाल खुद करने हैं। इसमें भी आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, एक पॉइंट होगा तो हम पॉइंट हटा के बटे में 10 लिख देंगे, यदि दो पॉइंट के बाद दो संख्या होगी तो हम 100 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद 3 संख्या होगी तो हम 1000 रखेंगे। तो बच्चों इस नियम का ध्यान रख के, इस नियम से हमको ये सवाल करने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। एक दुपहिये वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55 × 3 किमी की दूरी तय करता है, तो 100 लीटर पेट्रोल वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सीधा से सवाल है बच्चों, हमको क्या करने का, इसमें इसका गुणा कर देने का, यानी 553 में हमको 10 का गुणा। जब हम इसी जिस तरह से हमने ये गुणा किया, तो पॉइंट के बाद कितने है, 0, पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, एक ना, तो हम इसके बटे में क्या लिखेंगे, 10। 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास 553 बचेगा। इस तरह से हमको गुणा करना है बच्चों। पहले लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल की दूरी अंतर बराबर 55.3, इसीलिए 10 लीटर पेट्रोल की दूरी तय करने के लिए जो संख्या दी है 55.3 × 10, इन दोनों का हमने गुणा भाग किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे दो पहिए की 10 लीटर पेट्रोल में 553 किमी दूरी तय किया। इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न पूरा होता है। आगे है हमारा पांचवा प्रश्न बच्चों, वो भी ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हमने प्रश्न नंबर एक किया तो गुणा हमको एक ही संख्या से करनी थी, प्रश्न नंबर तीन किया तो दोनों में दो दो संख्या थी। अब हमारे पास प्रश्न नंबर पांच आया है जिसमें दोनों में पॉइंट है, ध्यान से देखोगे बच्चों, तो 2.5 × 0.3 इस तरह से हमारा सवाल है। तो इसको भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम कैसे हल करेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमारा सवाल क्या था बच्चों, 2.5 × 0.3, तो हमारा ये क्या करेंगे, हम पॉइंट हटा देंगे, जीरो के पहले है तो हमारा जीरो का कोई मान नहीं, तो हमने 3 लिख दिया, यानी 25 में 3 का हमने गुणा किया। इसीलिए अब 2.5 भी लिखने का और गुणे करके 0.3 भी लिखने का, और जो आंसर आए वो हमको 0 लिखने का। पहले हम क्या करेंगे, 0 ये वाली संख्या में 0 पहले था तो 0 लिख के और पॉइंट लगा के 75 रख देंगे। मतलब जो संख्या जिसके पहले है वो हमको यहाँ पे संख्या लिखनी पड़ेगी। अब दूसरा सवाल था 0.1 गुणे करके हमको ऐसे ही लिख देने का है, और इस तरह से हमारे
आंसर हमको कंप्लीट करने, गुणा करके 100 ये पॉइंट हटा गए तो 517 का गुणा हमने एक में किया तो 517 आया, इसीलिए 0.1 गुणे 51.17 बराबर 5.17 इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इस सवाल में भी हमको बच्चों जो जीरो वाली संख्या है ना उसका ध्यान रखना है कि जीरो वाली संख्या है तो हम क्या करें, तो 0.2 गुणे 316.8, तो ये जीरो वाली संख्या थी तो हमने जीरो को हटा के और यहाँ से पॉइंट को हटा के दो में 3168 का हमने गुणा किया तो हमारा ये आंसर आया। फिर हमको जो संख्या जैसी थी वो सी रख देने की और यहाँ पे दो संख्या, देखो एक संख्या और ये तो दो संख्या हो गई ना, तो दो संख्या के बाद हमको यहाँ पे पॉइंट लगा देने का। इसी तरह से चौथा है 0.5 गुणे 0.05, 5 में 25 का गुणा किया तो 25 आ गया और इसीलिए 0.5 और इस तरह से हमने दो संख्या के बाद तीन संख्या के बाद तीन कैसी होगी तो दो यहाँ पे और एक ये, तो हमारा ये तीन संख्या के बाद पॉइंट लग गया। इस तरह से बच्चों मैंने प्रश्न नंबर 5 में आपको चार सवाल समझाए हैं, बाकी का जो सवाल आपका है वो आपको खुद करने हैं, सिर्फ पॉइंट का और गुणे का और संख्या का ध्यान रखोगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैं आज आपको प्रश्नावली 2.6 मैंने सिखाया है, जो कुछ सवाल मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ के और गणित की नोट में और स्वाध्याय पोथी में आपको 2.6 पूरा करना है। तो आज आपका घर काम है कि आपको स्वाध्याय पोथी में और नोट में 2.6 कंप्लीट करना है। धन्यवाद।